रायपुर में मंगलवार को युवाओं द्वारा ST SC फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में किए गए निर्वस्त्र प्रदर्शन को लेकर पूर्व CM डॉ. रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में युवाओं को छला जा रहा है, सरकार के खिलाफ युवाओं में नाराजगी है, प्रदेश सरकार की कुनीतियों के विरुद्ध हर वर्ग में व्यापक असंतोष है, पंचायत कर्मियों की विधवाओं ने केश त्याग दिए, संविदा कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है और हद तो आज हो गई जब ST SC आरक्षण में गलत नियुक्ति के विरोध में युवाओं को निर्वस्त होकर प्रदर्शन करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही हो, उनकी अर्जित संपत्ति भी हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, कार्यों में जो करना पड़े। भाई ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है? धरना में अलग बैठे हैं, पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर व्यापक असंतोष है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं के प्रदर्शन हो गए, उसके साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं और रसोईया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया। ये व्यापक असंतोष पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी, सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर ST SC आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को बताने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है।